सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग फिर महाभारत की एक सांझ भाग 3 आज हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भीम और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध चल रहा था। भाई, एक ऐसी स्थिति भी आती है जब लग रहा था कि दुर्योधन जो है जीत जाएगा। श्री कृष्ण का इशारा होता है और श्री कृष्ण के इशारे के पश्चात भीम जो है अपने गदे से जो है भीषण प्रहार दुर्योधन के जंघा पर करते हैं। दुर्योधन आहत होकर चीत्कार करते हुए गिर पड़ता है। इधर संजय सारा वृतांत जो है धृतराष्ट्र को सुना रहा होता है। धृतराष्ट्र के मुख से निकल पड़ता है कि हाय मेरे पुत्र, इन हत्यारों ने जो है अधर्म से तुम्हें परास्त किया है। संजय, मेरे इतने उत्कट स्नेह का ऐसा अंत होगा, ओह मैं जो है सह भी नहीं सकता हूँ। इधर संजय महाराज धृतराष्ट्र को धैर्य बंधाते हुए कहते हैं कि धैर्य आप बनाए रखिए, इस कुरुकुल के इस डगमगाते पोत के अब आप ही तो केवल कर्णधार बचे हुए हैं। धृतराष्ट्र कहता है कि संजय, बदलाने की चेष्टा अब तुम जो है मत करो, पर ठीक कहा तुमने कि कुरुकुल का यह जो कर्णधार है वह तो अंधा है, उसे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। इधर संजय और धृतराष्ट्र के बीच बातचीत चल रही है। संजय कहता है कि महाराज, ठीक यही बात तो जो है सुयोधन ने भी कही थी। धृतराष्ट्र जो है भावावेश में आ जाते हैं और कहते हैं कि संजय बताओ, क्या मेरे पुत्र जो है दुर्योधन ने कहा था? तब संजय जो है कहता है कि जब दुर्योधन आहत होकर के जमीन पर गिर पड़े थे और पांडव सभी जो है जय ध्वनि करते हुए अपने शिविर चले गए थे, शाम होने से पहले अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा जो है, जैसा आप लोग जानते भी होंगे कि अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और वह जो है दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहा था। अश्वत्थामा को अमरत्व प्रदान था। अश्वत्थामा जब कुरुक्षेत्र के मैदान में आता है और दुर्योधन की दशा को देखता है तो वह बदला लेने के प्रण लेकर वहां से चला जाता है कि और कहता है कि मित्र, मैं जो है बदला लेने के लिए जा रहा हूं। उसके पश्चात युधिष्ठिर वहां पर आते हैं। दुर्योधन के पास आकर वे कहते हैं, इधर जो है दुर्योधन चीत्कार करके कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ है। युधिष्ठिर आते हुए कहते हैं कि हे मेरे दुर्योधन, आंखें खोलो भाई। दुर्योधन अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि हे युधिष्ठिर, तुम आ गए हो, अब आखिर तुम क्यों आए हो? क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते थे, वह तो मैंने दे दिया, अब क्या लेने के लिए आए हो मेरे पास? अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जो अभी भी तुम्हारा मोह, तुम्हारे मन में जो ईर्ष्या का भाव है जो तुम्हें यहां पर खींच करके ले आया है? जाओ, तुम दूर ही मेरी आंखों से चले जाओ। जीवन भर तुमने तो मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया, कम से कम मुझे शांति से तो मर जाने दो। युधिष्ठिर, तुम यहां से चले जाओ। युधिष्ठिर जैसा कि शोकाकुलुस अवस्था में दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि तुम जो है गलत समझ रहे हो, मैं कुछ लेने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, मैं तो देखने आया था। दुर्योधन कहता है कि क्या तुम देखने के लिए आए थे कि किस प्रकार से यह निर्बल पशु की भांति तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देगा? मेरी मृत्यु का क्या तुम जो है पर्व मनाने के लिए यहां पर आए हो? मेरी आहों का क्या तुम आलाप सुनने के लिए आए हो कि किस प्रकार से इस कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं जो है आह भर रहा हूँ, आलाप कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, चीत्कार मार रहा हूँ? क्या तुम ये सारी चीजें देखने के लिए यहाँ पर आए हो? तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी है जो सुख से तुम मुझे मरने भी नहीं देते हो, वही धर्म का ढोल पीट रहे हो? यह कैसा अन्याय है? इधर युधिष्ठिर जो है दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं कि अब तुम अर्थ का अनर्थ न करो दुर्योधन, मैं तो तुम्हें शांति देने के लिए आया था। मैंने सोचा था
कि शायद तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो। यदि ऐसा हो तो कम से कम मैं कर दूं। इसी उद्देश्य से मैं जो है इस संध्या के समय में मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। युधिष्ठिर की इन सारी बातों को सुनकर दुर्योधन कहते हैं कि हाय रे मिथ्याभिमानी, अब भी तुम जो है दया का ढोंग कर रहे हो। पर युधिष्ठिर, तनिक मेरी ओर तो देखो, पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए। और क्या मैं क्यों पश्चाताप करूंगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को कभी जो है गुप्त नहीं रखा, ना ही मैंने कभी षड्यंत्र किया है। मैंने किसी भी गुरुजन का वध नहीं किया है। दुर्योधन की ये सारे बातें इन सारी बातों को सुनकर के युधिष्ठिर कहते हैं कि यह तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन? दुर्योधन जो है मन ही मन जो है गुस्से में जो है वह कहता है कि सुयोधन कहो धर्मराज, मेरा नाम दुर्योधन नहीं है। सुयोधन, क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई है? क्या जो है मैं इस अवस्था में इस कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ हूँ, मरणासन के नजदीक हूँ, क्या अभी भी तुम्हारी छाती को ठंडक नहीं मिली है? क्या मुझे मार करके तुम्हें संतोष नहीं हुआ है, जो मेरी इस अंतिम घड़ी में मेरे मुंह के पास आकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हे निर्दयी, क्या ईर्ष्या में अपनी मानवता को तुम भस्म कर देना चाहते हो? युधिष्ठिर दुर्योधन की बातों को सुनकर के कहते हैं कि क्षमा करो भाई, अब तुम्हें मैं जो है इस अवस्था में अधिक कष्ट नहीं पहुंचाने चाहता हूं, पर मेरे कहने न कहने से क्या होगा? आने वाली पीढ़ियां जो है तुम्हें सुयोधन नहीं बल्कि दुर्योधन के ही नाम से पुकारेंगी, क्योंकि तुम्हारे कुकृत्यों के कारण ही तुम्हारा नाम जो है दुर्योधन पड़ा है। दुर्योधन जो है तभी कहता है कि मुझे दुर्योधन ही कहेगा, यही ना? जानता हूं युधिष्ठिर, मैं जानता हूं मुझे मारकर भी तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो, अपने गुरुजनों सगे संबंधियों के रक्त शोणित की गंगा में नहाकर, शोणित का यहां पर अर्थ है कि रक्त खून की, खून की गंगा में नहाकर तुमने राज मुकुट धारण किया है। तुम अपनी देखरेख में इतिहास लिखवाओगे और उसका पूरा पूरा लाभ उठाने से भी तुम कभी नहीं चूकोगे। सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बना करके ही तुम छोड़ोगे, उसकी देह को नहीं उसका नाम तक तुम मिटा दोगे, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आगे दुर्योधन कहता है कि मेरे मरने पर तुम जो चाहे करना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं यहां पर आऊंगा। पर इस समय जब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है, उसे इतना न्याय तो दो कि उसका मिथ्या अपमान न करो। यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि झूठ मूठ का यहां तुम मेरा अपमान मत करो इस अंतिम घड़ी में। दुर्योधन की बातों को सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि युधिष्ठिर ने तो सदा न्याय ही किया है सुयोधन, न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने से भी कभी नहीं चुका है। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का यह भीषण दृश्य, अबलाओं अनाथों का वह करुण चित्कार किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त है। परंतु सुयोधन, शायद तुम ये सारी बातें नहीं जानते हो। मैं संहार के इन दृश्यों को भी शांत भाव से सह गया, क्योंकि न्याय के पथ पर जो भी मिला मुझे वह सब कुछ मुझे स्वीकार है। युधिष्ठिर की बातों को सुनकर दुर्योधन कहते हैं कि यह अहंकार है युधिष्ठिर, यह मिथ्या अहंकार है, यह झूठा जो तुम अहंकार जो है मन में पाले हुए हो कि न्याय के पथ पर जो मिलेगा सब मुझे स्वीकार है। मैं तुम्हारी यह आत्म प्रशंसा जो है सुन नहीं सकता, इसे तुम अपने भक्तों के लिए ही रहने दो। तुम विजय की डींग जो है मार सकते हो, न्याय और धर्म की तुम दुहाई के कम से कम मेरे सामने तो मत दिया करो। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में ही तो तुम्हें संतोष मिलता है, तो मिले। मेरे लिए यह आत्म प्रवंचना है, मैं इससे घृणा करता हूं। यहां पर आत्म प्रवंचना का अर्थ है कि अपने आप को धोखे देने जैसा है जो तुम बातें कर रहे हो।
दुर्योधन की बातों को सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं, स्वार्थ दुर्योधन, यह तुम्हारा स्वार्थ है। तब दुर्योधन आगे कहता है कि और नहीं तो क्या, जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठान दिया। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है? भला किस न्याय से तुम राज्याधिकार की मांग करते थे? यहां पर जो है, इस अवतरण में दुर्योधन यह कहना चाहता है कि हस्तिनापुर जो राज्य है, ज्येष्ठ मेरे पिता थे और उन्हीं का जो है सिंहासन पर जो है अधिकार था, वह तो जन्मांध होने के कारण तुम्हारे पिता पांडु को जो है सिंहासन मिल गया था, परंतु अगर देखा जाए तो उस सिंहासन पर मेरे ही पिता का अधिकार था। जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था, आज तुम उसी को पाने के लिए इतना बड़ा तुमने युद्ध ठान दिया। तुम कहते हो कि स्वार्थ दुर्योधन, स्वार्थ, यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है? स्वार्थ तो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, भला किस न्याय से तुम जो है राज्याधिकार की मांग कर रहे हो? दुर्योधन की इन सब बातों को सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि सुयोधन, अपने मन को टटोल कर देखो, क्या वह तुम्हारे कथन का समर्थक है? क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है? फिर महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं? यहाँ युधिष्ठिर जो है इस बात को कहना चाहते हैं कि सभा में जो है, जब सिंहासन पर बैठने की बारी जब आई थी, उस समय विदुर ने कहा था कि जन्मांध व्यक्ति बैठ नहीं सकता, और मेरे पिता को जो है हस्तिनापुर राज्य का सिंहासन दिया गया था। भले ही पिताजी ने बाद में जो है उस सिंहासन को तपोवन की भूमि में चले गए और वह सिंहासन जो है तुम्हारे पिता को मिल गया, परंतु सर्वप्रथम उस राज्य पर जो है मेरा ही अधिकार बनता है, क्योंकि मैं ही महाराजा पांडु का ज्येष्ठ पुत्र हूं। दुर्योधन की इन बातों को सुन युधिष्ठिर की इन बातों को सुनकर दुर्योधन कहते हैं कि बस तुम्हारे पास बस एक ही यही तर्क है ना? परंतु युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी यह सोचा कि जिस राज्य पर तुम अधिकार चाहते थे, वह तुम्हारे पिता के पास आखिर आया कैसे? क्या जन्माधिकार से आया? नहीं, तुम्हारे पिता को वह जो अधिकार मिला, वह तुम्हें पता ही है किस प्रकार से तुम्हें प्राप्त हुआ। तो बच्चों, आज हम लोग जो है पृष्ठ संख्या 76 तक ही रखेंगे, और जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से मैं कुछ प्रश्न जो है देने के लिए जा रहा हूँ, एक एक्सट्रैक्ट, और आशा करता हूँ कि आप जो है उस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आपके जो है स्क्रीन पर वह प्रश्न आ रहा है, मैं उसे पढ़ भी रहा हूँ। अवतरण है कि जिस राज्य पर रत्ती भर भी अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना, यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है? भला किस न्याय से तुम राज्याधिकार की मांग करते थे? इस अवतरण का पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त अवतरण के वक्ता तथा श्रोता के बारे में बताइए। दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त अवतरण में किस अधिकार की बात की जा रही है? तीसरा है कि इस एकांकी का उद्देश्य आप अपने शब्दों में लिखिए। और चौथा प्रश्न है, महाभारत के युद्ध से हमें क्या सीख मिलती है? आशा करता हूं कि आपने सारे प्रश्नों को सुन लिया होगा। अगली बार जो है 76, पृष्ठ संख्या 76 के बाद हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।